नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल। दुल्हन बारात का करती रही इंतजार और दूल्हे के साथ हो गया बड़ा कांड। बारातियों और घरातियों में मचा हडकंप, दूल्हा दुल्हन के घर वाले रोने लगी। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक दुल्हन बारात का इंतजार करती रही और दूल्हे को पुलिस उठा ले गई। दरअसल एक दूसरी लड़की ने दूल्हे पर गंभीर आरोप लगाई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने दूल्हे को उस समय उठा लिया जब वह बारात लेकर अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा रहा था उसे लेने। हालांकि फिर दूल्हे ने पुलिस को बताया कि वो दूसरी लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है, तो पुलिस ने दूल्हे को बिना जांच के छोड़ दिया और तब जाकर इस दूल्हे की रात में शादी हो पाई। साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस युवती ने दूल्हे के खिलाफ आरोप दर्ज कराया है पुलिस थाने में, उसने कहा है कि यह जो दूल्हा बन रहा है यह मुझसे लगातार चार सालों से शारीरिक संबंध बनाए हुए है और लगातार शादी का झांसा दे रहा है कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा, लेकिन यह ऐसा नहीं कर रहा है और आज इसकी शादी होने वाली है। वहीं दोस्तों, जब दूल्हे से पूछा गया तो दूल्हे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर भी दोस्तों आप हक्के बक्के रह जाओगे। दूल्हे ने कहा कि यह लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है और यह जो लड़की है यह कोई युवती नहीं बल्कि यह शादीशुदा औरत है और मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रही है। अब दोस्तों आप ही बताइए आखिरकार कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं, आखिरकार विश्वास करें तो किस पर करें। जी हां साथियों, बता दें देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अवश्य